वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने पंचायत लेवल पे टीमों को बिठाया हुआ और 2 दिन से वो रजिस्ट्रेशन कर भी रहे हैं और वहाँ पे भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है। पर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, ताकि कल यानी 1 मई को अन्यथा बहुत ज़्यादा क्राउड हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में ना हो। अभी 1 मई से यहाँ पर जो 18 से 44 साल का एज ग्रुप है, 18 to 44 ईयर्स का, उनकी वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, केवल रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन भी वैक्सीनेशन सेंटर्स में नहीं हो रही है, या तो वो अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकते हैं या फिर जो हमने पंचायत लेवल पे टीमों को बिठाया हुआ है उनके माध्यम से वो अपने आप को रजिस्टर। कुल्लू जिला में जहाँ तक कोविड मैनेजमेंट की बात है तो यहाँ पे अभी तक सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कुल्लू हॉस्पिटल में अभी 100 बेड्स जो है वो DCHC 100 बेडेड है, इसको बहुत जल्दी ही 200 बेडेड कर दिया जाएगा और सारी की सारी जो है अरेंजमेंट्स इसके बारे में हम कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 जगहों को डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर भी नोटिफाई किया गया है और जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है वो भी अभी तक हमारे पास सफिशेंट है और उसको जो है डेली बेसिस पे हम रिफिल करवाते रहते हैं। हमने प्रशासन की ओर से भी एक नोडल ऑफिसर को आज अपॉइंट किया है जो ये चेक रखेंगे कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन का स्टॉक अवेलेबल है, कैसे कैसे खाली हो रहा है, उसको कैसे कैसे रिफिल कराना है, तो ये सारा वो स्टॉक मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही साथ हम ट्राई कर रहे हैं एक ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी, जो कि उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुल्लू के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट भी फंक्शनल हो जाए।